हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो गाइस, हमने टारगेट किया है अब एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई की हमारी डेट आ चुकी है। एसबीआई के आखिरी 10 दिन में मैं आपको क्या करूँगा, 10 ही मॉक करवाऊँगा, ठीक है? पूरे के पूरे 10 मॉक्स होंगे, जो एग्जैक्ट पैटर्न होगा उनका, और जो एक्सेप्टेड होंगे आपके किसमें, एग्जाम में आने के लिए आपके एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है, 10 दिन में 10 मॉक कराऊंगा। ऑल इंडिया लेवल के लाइव टेस्ट होंगे ये, ठीक है? बट ये आज का जो मॉक होगा वो रिकॉर्डेड होगा, तो आपको मिल जाएगा रात को 8 बजे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, इसमें क्या है, आपको पूरे 35 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? अब इन 35 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? गाइस देखो, उन क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करिए जो ईजी हो। देखो गाइस, 10 से 12 सेकंड आप क्या करिए, एक बार पूरे पेपर को रीड कर लीजिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जैसे बॉक्स पेज पजल है, तो इसको आप स्टार्टिंग में ना अटेम्प्ट करके इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। जैसे ये आपका फ्लोर बेस्ड आ गया, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है, ठीक है? और हिंदी के लिए ये रहा आपका, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला कि 8% है आपके पास, कितने 8% है, और 8 क्या है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है, और नंबर 1 हो गया आपका 8, और टॉप फ्लोर हो गया आपका नंबर ओ सॉरी ग्राउंड फ्लोर हो गया नंबर 1, और टॉप फ्लोर आ गया आपका 8। तो मैं क्या लिखता हूँ इसको, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये हो गए हमारे सारे के सारे फ्लोर, ठीक है? मैं टेबल बना लेता हूँ आपकी, तब तक आप क्या करिए इसको ट्राई करेंगे, देन आप क्या करेंगे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है जी? ये हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग बन चुकी है, ठीक है? अब हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी, देखो देखो गाइस, यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसने बोला मोर देन 4% लिव बिलो डी, मतलब क्या, डी से 4 से ज़्यादा रहेंगे, मतलब कम से कम 5 तो आपके रहेंगे, मिनिमम क्या होंगे कि 5 रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5 रह सकते हैं, तो डी मेरा कन्फर्म हो गया एक बार, फर्स्ट केस में मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? बट आगे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, आपको हर पॉसिबिलिटी आपको चेक करके बताऊँगा, ठीक है? अब एक बार जब डी के नीचे क्या हो जाएंगे आपके, कितने फ्लोर आ जाएंगे, 6 फ्लोर हो जाएंगे, तो डी मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार मेरे क्या होगा, डी के नीचे कितने फ्लोर हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 7 फ्लोर, ठीक है? तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, डी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मोर देन कितने होने चाहिए, 4%, तो ये मेरी कंडीशन होगी सेटिस्फाई। आगे उसने क्या बोला, 1% लिव बिटवीन डी एंड एफ, मतलब क्या है कि डी एंड एफ के बीच में कितने परसेंट है आपके, 1% है, बट ये कंफर्म नहीं कि डी मेरा ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट, इसको चेक करते हैं। देखिए ये हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी सेकंड केस, ये हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में देखिए एफ मेरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे को पता है कि ऊपर इसमें पॉसिबल नहीं है, और सेकंड केस में मेरा एफ यहाँ आ जाएगा। बट अब हम देखिए जो आपकी फर्स्ट केस है ना, इसमें क्या 2 पॉसिबिलिटी है, एफ आपको ऊपर भी आ सकता है, एफ आपका नीचे भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। डी मेरा यहाँ पर है ना, इसका इसका पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये, ठीक है? तो एक बार एफ मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है? और एक बार मेरा क्या होगा, जो आपका है ना एफ, वो क्या होगा, डी के नीचे आ जाएगा। तो देखिए इस केस में यहाँ पे आ गया, ठीक है जी? उसके बाद बोला है कि ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब ए जो है ना वो आपका इवन पे तो नहीं आएगा, वो आएगा आपका ऑड फ्लोर पे, ये हो गया कन्फर्म। तो चलिए देखिए ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते ये। तो अब मेरा देखिए 3 भी है 1 भी है 5 भी है और 6 भी है सॉरी 7। आगे उसने क्या बोला कि 2% बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने परसेंट है आपके, 2 है, ठीक है जी? ये हो गया मेरा। आगे उसने क्या बोला कि ई लिव्स ऑन अ थर्ड फ्लोर, तो ई आपका क्या होगा, डेफिनेट हो गया, तो आपके थर्ड फ्लोर पर आ गया ई, इस केस में आपका ये रहा, और यहाँ पर आ गया ई, और यहाँ पर आ गया, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक केस को लेके चल रहा हूँ, वरना मैं क्या कर सकता उसी केस में आपको चेक करके बता देता, ठीक है? चलिए आगे उसने क्या बोला कि एच लिव जस्ट अबाव बी, बी के जस्ट अबाव आपका कौन होगा, वो होगा आपका एच, ठीक है जी? देखो गाइस ये हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, ये हो चुकी है ना हमारी, और ये भी हो चुकी है, ठीक है जी? आगे उसने क्या बोला कि सी लिव्स बिलो ए, ए के नीचे रहेगा, तो देखो ये वाली हो जाएगी कन्फर्म। आगे उसने क्या बोला, एफ डज नॉट लिव बिलो ए, मतलब ए के ऊपर आपका कौन रहेगा, एफ रहेगा, ठीक है जी? ये होगी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? नीचे नहीं दिख रही हो तो मुझे बता देना एक बार।
ठीक है, चलिए पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये वाले आप कंडीशन लेते हो, चलो हम क्या करते हैं ये लेते हैं, ए को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज ऑड पे, देखो इस केस में फर्स्ट में तो एक दो सी या तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता लगे हाँ तो आएगा नहीं कन्फर्म में, तो ए मेरा क्या हो जाएगा फिफ्थ फ्लोर पर आ जाएगा। तो एक दो पर्सन है तो सी मेरा क्या होगा डेफिनेटली मेरा सेकेंड फ्लोर पर आ गया। सेम इसमें देखो ए यहाँ पे लेते हो तो एक दो सी पॉसिबल है, ए यहाँ पे लेता हूँ एक दो सी भी पॉसिबल है, तो इसमें भी दो कंडीशन हो रहे हैं, हम चेक करेंगे अभी। चलिए अब देखिए, अब आपका ऑड यहाँ पे नहीं सकता, फिफ्थ भी जा सकता थर्ड पे। अब देखिए जो जनरल सेकंड केस है ना कि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा क्या नहीं आएगा, वो ये मेरा पॉसिबल नहीं है, थर्ड पे ई आ गया तो इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से, ठीक है इसको भी यहाँ से इरेज कर दीजिए, फिफ्थ पे आ गया ऑलरेडी इसको इरेज हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इसमें चेक करते हैं, और अब देखिए सेवन्थ पे आ सकता है एक दो पर्सन, और आगे फिफ्थ पे भी आ सकता है एक दो पर्सन। तो अब देखिए, अब आप देखिए इसको आप ले सकते हो, बट आपका जो एफ है ना वो ए के ऊपर रहेगा। इस केस में क्या आपका ए के नीचे आ गया, तो पॉसिबल नहीं है, उसने पहले मना कर दिया था कि एफ डज नॉट लिव बिलो ए, ए के ऊपर आना चाहिए, तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, चलिए ये भी यहाँ से कट गया, चलिए इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इस केस में एफ से एफ तो ऊपर है, तो ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, इस केस में एफ मेरा ये भी पॉसिबल है, हाँ तो ए नहीं आ सकता, तो मुझे कन्फर्म पता चल गया जो ए की पोजीशन होगी मेरी क्या होगी फिफ्थ फ्लोर हो जाएगी, तो वन टू पर्सन तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये वाले केस देखिए, एच आपका इमीडिएट अबाव होना चाहिए, इमीडिएट अबाव वाला तो कोई जगह ही नहीं बची आपकी, इमीडिएट अबाव वाली नहीं बची ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा थर्ड केस भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या हमारे पास दो केस है, एफ ये रहा आपका फर्स्ट केस का वाला और ई मेरा ये रहा। अब देखिए एफ के नीचे आपकी ए की जगह एक तो ये हो जाएगी और एफ के नीचे एक की जगह आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो एक दो पर्सन सी मेरा एक बार फोर्थ फ्लोर पर आ जाएगा, एक दो एक बार सी मेरा क्या होगा सेकेंड फ्लोर पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बट जो इमीडिएट अबाव वाली कंडीशन है ना इस केस में, इसमें क्या होगी आपकी इमीडिएट अबाव वाली क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगी मेरी कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे पता चल गया जो मेरा है ना ए कन्फर्म मेरा क्या होगा कि मेरे सेवन्थ फ्लोर हो गए, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है इसको हटा देते हैं एक बार हम, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्ड पे कौन था मेरा, थर्ड पे था आपका ई, तो ए मेरा क्या होगा कन्फर्म फिफ्थ फ्लोर पे हो जाएगा और दो पर्सन होंगे ए और सी के मध्य, एक दो सी मेरा हो जाएगा सेकंड, चलो की हाँ ये मेरा होगा जो ए है ना सेवन्थ फ्लोर पे हो, तो ए मेरा क्या हो गया सेवन्थ फ्लोर पे आ गया और दो पर्सन है, तो एक दो सी मेरा आ गया फोर्थ फ्लोर पे, और इमीडिएट अबाव वाली कंडीशन क्या होगी आपकी ये वाली, तो बी मेरा क्या होगा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा और एच जो होगा मेरा सेकंड फ्लोर पे आएगा, बचाओ पर्सन कौन है आपका वो है आपका ए, नहीं ये हो गया बी हो गया सी डी, ये हो जाएगा मेरा किसकी जगह फिफ्थ फ्लोर हो जाएगी जी, ठीक है। तो देखिए ऐसे करना है आपको, देखो गाइस आपको क्या है ऐसे ही लेके चलना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए बाकी आपको प्री लेवल में क्वेश्चन एस बी आई पी ओ मिल जाते हैं, जो क्लर्क लेवल उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ए के दो देते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें बेस्ट आपको पाँच क्वेश्चन है, ठीक है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन आया है कि आपका डायरेक्शन, इसने क्या बोला कि अंजलि गोस डिपार्टमेंटल स्टोर में गई जो कि क्या है विच इज इन द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, मतलब क्या है अंजलि का हाउस ये है सपोज, तो इसके नॉर्थ में वो गई डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कितना था आपका 6 किलोमीटर अवे बाय एन ऑटो, मतलब ऑटो से गई कितने 6 किलोमीटर। आफ्टर द शॉपिंग शी डिसाइड विजिट हर फ्रेंड, ये क्या आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप वो अपने दोस्त के घर गई जो कि क्या है राइट में है, इसके राइट में गई, वो राइट में गई और कितना किलोमीटर चली, वो चली आपका 8 किलोमीटर, यहाँ से वो चली कितने 8 किलोमीटर वो चली और अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच गई, ये क्या आपका उसका फ्रेंड का हाउस, फ्रेंड हाउस, ठीक है जी।
फ्रॉम देयर सी विजिट अ शॉप विच इज 6 किलोमीटर अवे टेकिंग अ राइट, मतलब यहाँ से वो एक स्टोर पे गई और शॉप पे गई जो कि क्या थी 6 किलोमीटर थी वापस, कितनी थी 6 किलोमीटर, तो ये क्या हो गई शॉप हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फाइनली सी टर्न्स राइट, यहाँ से उन्होंने क्या एक राइट ले ली, ठीक है जी। अब हम उसको बताओ कि वो कि हो गया। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन ही गायब है शायद, तो इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है चलिए। अब इसमें देखिए क्या बोला उसने कि बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ ए, मतलब ए से क्या है आपका 25 मीटर साउथ में कौन है आपका बी पॉइंट, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि सी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में कितना है वो 30 मीटर में कौन है आपका सी पॉइंट। आगे क्या बोला कि डी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी से क्या है 15 मीटर नॉर्थ में कौन है आपका डी पॉइंट। आगे क्या बोला कि ई इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ डी, डी के 10 मीटर वेस्ट में कौन है आपका 10 मीटर हो जाएगा आपका ईस्ट में ई पॉइंट, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला इफ एक्स इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ ए, मतलब ए से 30 मीटर ईस्ट में अगर आपका एक्स पॉइंट है, इसका मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या है 30 मीटर ईस्ट में अगर आपका एक्स पॉइंट है मतलब एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो गया 30, तो बताओ देन पॉइंट डी इज हाउ फार एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स से जो आपके डी की पोजिशन है वो बतानी है, तो कितना है देखो 15 यहाँ से चले गए टोटल कितना था 20, तो ये कितना बचेगा 10 मीटर और वो है क्या डी आपका साउथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर साउथ, क्या हो जाएगा 10 मीटर साउथ इसका आंसर हो गया। अब देखिए चार क्वेश्चन, चार से पाँच क्वेश्चन आपके आए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, तो देखिए इसमें आपकी सीरीज दे रखी होती है, इसमें क्या होता है आपके नंबर्स भी होते हैं, ठीक है उसमें आपको सिंबल्स भी दिए जाते हैं और आपको अल्फाबेट भी दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपके इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप, सबसे पहले काम क्या करना है आपको सिंबल हटाना है और आपको नंबर्स हटाने, तो मैं यहाँ से काट देता हूँ एक, ये भी गया यहाँ से, सिंबल भी हटा दिए नंबर भी, ठीक है यहाँ से मैंने हटा दिए, ठीक है अनवांटेड साउंड अगर आए तो इग्नोर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है ये यहाँ से मैंने क्या करा सिंबल्स और नंबर को हटा दिया। अब उसने क्या बोला व्हाट विल बी द सेकंड अल्फाबेट लेफ्ट टू द व्हिच इज 7th अल्फाबेट फ्रॉम राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से ये आपका राइट हैंड है, ठीक है ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो आप क्या करिए राइट हैंड से देखिए आपका कौन सा 7th अल्फाबेट, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7वां होगा, इसके क्या है आपको सेकंड लेफ्ट में देखना है, तो देखिए 1, 2 तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9th कहता है विच टर्म विल बी द 10th टर्म टू द राइट ऑफ 19th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपको 19 देखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो 19वीं के आपको क्या करना है 10th राइट में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको देखो इसने बोला 4 of the following 5 are alike in a certain way बेस्ड ऑन देयर पोजिशन, मतलब इसमें क्या चार तो सेम है एक ऐसा ग्रुप होगा जो अलग होगा, तो देखिए परसेंटेज से मैं क्या जाता हूँ एंड की तरफ जाता हूँ, तो देखिए परसेंटेज मेरा क्या है ये रहा, तो 1, 2 इसमें कितने प्लस किए मैंने प्लस 2 किए, उसके बाद एंड से मुझे आई की तरफ जाना है, तो एंड से मैं जाता हूँ देखिए तो इधर जाता हूँ एंड से मैं आई की तरफ, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं प्लस 5, यहाँ पे कितने हो रहे हैं प्लस 2। अब उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन के से यू के आपका देखो ये रहा, तो इस यहाँ से यू की तरफ जाना है, तो 1, 2, 3 तो कितने प्लस हो रहे हैं आपके प्लस 3 हो रहे हैं पहले, उसके बाद यू से 6 जाना है, यू से 6 देखिए आप यू से 6 की तरफ, तो देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा था और यहाँ पे माइनस 4 हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए यू से एफ, यू से एफ देखिए आप 1, 2 इसमें क्या हो रहा है प्लस 2, ठीक है, और एफ से के देखिए 1, 2, 3, 4, 5
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 5। तो आपको दिख रहा होगा जो आपका बी ऑप्शन है ना, उसमें पहले क्या हुआ, प्लस 3 हुआ फिर माइनस 4 हुआ, बट जो आपका ऑप्शन ए और बी क्या सी क्या हो सेम हो गया, मतलब प्लस 2 होगा देन माइनस 5 होगा, तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन सीक्वेंस, मतलब आपको नंबर देखना है, एग्जांपल के तौर पे देखिए आपको नंबर देखना है विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, मतलब उसके जस्ट पीछे क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, और इमीडिएट फॉलोड बाय अ अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट होना चाहिए, ए भी हो सकता है आपका, बी भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस देखना, सबसे पहले नंबर देखिए, नंबर ये रहे, ठीक है। अपन नंबर को आपको एक बार बता देता हूँ, आपको ये नंबर मैंने सारे ले लिए, ठीक है। अब नंबर के पीछे सिंबल, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है ना, यहाँ पे तो अल्फाबेट है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर के पीछे सिंबल तो है बट आगे अल्फाबेट नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नंबर के पीछे सिंबल, यहाँ पे अल्फाबेट है, ये भी कैंसिल। नंबर के पीछे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अल्फाबेट, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए नंबर के पीछे सिंबल और आगे अल्फाबेट, तो एक तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर 6। आगे देखिए नंबर के पीछे क्या आपका अल्फाबेट, तो ये भी कैंसिल। नंबर के पीछे सिंबल बट आगे नंबर मिल गया, तो ये भी कैंसिल। अब इसमें देखिए नंबर के पीछे नंबर, ये भी कैंसिल। इसमें देखिए नंबर के पीछे सिंबल मिल रहा है आगे अल्फाबेट, तो एक नंबर क्या हो जाएगा मेरा 7। इसमें क्या है आपको पीछे सिंबल मिल रहा है और आगे अल्फाबेट नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें क्या है सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड लेके चल रहा हूँ, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इस पे, इसमें तो गाइस देखो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इजीली आप कर जाओगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला, हाउ मेनी वोवल्स, आपके वोवल्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं वोवल लूँ आपका ए, 5 वोवल होता है ए ई आई ओ यू, आर दैट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, मतलब उसके पीछे क्या होगा आपका सिंबल होगा, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, उसके आगे क्या होगा आपका नंबर होगा, ठीक है। ये आपको पैटर्न ढूंढना, सबसे पहले आप क्या करिए वोवल्स ढूंढिए, ए हो गया वोवल, ई हो गया वोवल, आई वोवल, ओ वोवल, उसके बाद आपका यू हो गया वोवल, उसके बाद नहीं है, तो चलिए अब देखिए वोवल के पीछे आपका सिंबल होना चाहिए, हाँ तो वोवल के पीछे सिंबल है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। वोवल के पीछे क्या सिंबल है, आगे आपका नंबर है, तो एक वोवल हो गया आपका ये वाला। वोवल के पीछे सिंबल मिल रहा है बट आगे नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वोवल के पीछे यहाँ पे क्या वोवल है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या वोवल के पीछे क्या आपका सिंबल मिल रहा है, आगे क्या मिल रहा है आपका नंबर मिल रहा है, एक आंसर क्या हो जाएगा मेरा ये, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए गाइस 5 मार्क्स आपके आ गए फ्लोर बेस पजल से, 5 मार्क्स आ गए आपके अल्फानोमिक सीरीज से, 2 आ गए आपके डायरेक्शन, तो कितने हो गए आपके यहाँ से 12 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो गए। अब ये आपके क्या एक सेटिंग अरेंजमेंट है जो सर्कुलर टेबल पर, इसमें आपको क्या कर दिया, इसमें 2 वेरिएबल दे दिए, ये आपका पीओ लेवल में मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा डेफिनेटली आपको पीओ लेवल में। चलिए इसने क्या बोला, आपके पास कितने पर्सन है, आपके पास 8 पर्सन है, ठीक, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब क्या है, एक आपकी सर्कुलर टेबल है, ठीक है जी, इसको हम बना देते हैं, और उनका फेस क्या है इनसाइड की तरफ है, तो सबका फेस में क्या करता हूँ इनसाइड कर देता हूँ। अब देखिए उनको क्या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पसंद है, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, ये सब सिटीज उनको पसंद है, ठीक है, ओके जी। आपकी इंफॉर्मेशन देखो यहां से स्टार्ट हो रही है, खास से देखो यहां से, ए लाइक नागौर एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब क्या, अब देखो मैं यहां से डेफिनेट कंडीशन उठा सकता हूँ कि सी को आप कहीं भी ले सकते हो, तो सी को मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो सी के सेकंड राइट में कौन होगा आपका, होगा ए, और उसको जो सिटीज पसंद है वो कौन सी है, वो है नागौर, क्या है नागौर वाली सिटीज को पसंद है। अब आगे उसने क्या बोला कि 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, मतलब क्या है सी और ई के बीच में कितने पर्सन है, 2 है, और ई को कौन सी सिटी पसंद है, वो आपकी इंदौर, ठीक। अब इसमें क्या आपकी 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सी के लेफ्ट में भी आपका ई आ सकता है और सी के राइट में भी आपका ई आ सकता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोनों के हिसाब को समझाता हूँ, ठीक है थोड़ा, ठीक है, तो दोनों केस में आपको समझाऊंगा यहाँ से। सपोज सी मेरा एक बार यहाँ पे था ना इस केस में, तो सेकंड राइट में कौन आ गया आपका ई आ गया, सॉरी ए, और ए को जो सिटी पसंद है वो आपकी नागौर है, कौन सी, ये हो गया आपकी नागौर, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो सी के राइट में एक बार आपका ई आ जाएगा यहाँ पे,
और सी के लेफ्ट में एक बार आपका ई आ जाएगा, और ई को जो सिटी पसंद है वो पसंद है आपकी कौन सी, इंदौर, ठीक है, यहाँ पे इंदौर आ गया, और इस केस में आपका इंदौर यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से, ठीक है। जब जब हम 10वें मॉक पे आ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल आपने हर एग्जाम को करेक्ट करने का जो ठाना है ना, वो यहाँ से, अगर आप 10 के 10 मॉक कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप रीजनिंग में 35 में से 35। गाइस मैंने 4 से 5 बार रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लिए हैं, तो मुझे पता है बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है कहाँ नहीं होती। तो आप डेफिनेटली 33+ तो आप आराम से ले जाओगे अगर मेरे 10 के 10 मॉक करते हो तो, ठीक है। अब आगे देखो उसने क्या बोला कि बी हु लाइक कि जयपुर एंड अपोजिट टू एच, मतलब क्या है, जो बी है ना वो कौन सी सिटी पसंद करता है, वो पसंद करता है जयपुर, ठीक है, और ये अपोजिट किसके है, वो आपका है एच के, ठीक है। और बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ हु लाइक नागौर, मतलब बी मेरे डेफिनेटली यहाँ पे तो नहीं आएगा, और बी मेरे इस केस में यहाँ पे नहीं आएगा, और बी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए अपोजिट वाली देखिए कौन सी कंडीशन बचती है, देखो एक ही बचती है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बी आ जाएगा, और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और बी को जो सिटी पसंद है वो आपकी है जयपुर, ठीक है जी, यहाँ से मैंने कल लिख लिया। और सेकंड केस देखिए, ये आपका कौन सा केस है, ये केस नंबर है फर्स्ट, और ये केस नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। अब देखिए अपोजिट वाले देखो ये नहीं होती बी एच के लिए, ये भी नहीं है ना ये है, तो ये मेरी डेफिनेटली एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट वाली कंडीशन यही बचती है ना, और बी मेरा यहाँ पे आ गया, और बी को जो सिटी पसंद है वो आपकी है जयपुर, तो ये मेरी दूसरा केस भी हो गया, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ से, और बाकी इन्फॉर्मेशन क्या करता हूँ मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो चुकी है हमारी, यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, बी मेरा हो गया, और बी यहाँ भी हो गया मेरा, और इसको भी यहाँ से हटा दो, और ये इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं एक बार, ठीक है, ये क्या है आपका ई है। अब देखिए आगे उसने क्या बोला, द वन हु लाइक रायपुर इज अपोजिट टू जोधपुर सिटी, मतलब जो रायपुर है ना, जो सिटी, जो पर्सन रायपुर पसंद करता है वो अपोजिट किसके होगा, वो होगा आपको जो जो पर्सन जोधपुर सिटी को पसंद करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अपोजिट नहीं आ सकता ना रायपुर और जोधपुर, और इसमें भी नहीं आ सकता, और ना ही इसमें आ सकता, तो मुझे पता चल गया या तो सी को पसंद होगा, या यहाँ मुझे पता है इस केस में मेरी जोधपुर और रायपुर यहाँ पे आएंगे। सेम इसमें देखिए, इसमें नहीं आ सकता अपोजिट, ना ही इसमें आ सकता है, और ना ही इसमें आ सकता है, तो डेफिनेटली मुझे पता है जो सी, या तो सी जोधपुर पसंद करेगा या वो रायपुर पसंद करेगा। चलिए आगे, अब आकाश ने क्या बोला, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हु लाइक जोधपुर, मतलब क्या है, जो पर्सन जोधपुर लाइक कर रहा है ना, उसके सेकंड राइट में कौन होगा, आपका एफ होगा, ठीक है जी। चलिए अगर आप देखिए फर्स्ट केस, अगर आप सपोज मैं जोधपुर को यहाँ लेता हूँ, तो जोधपुर का सेकंड राइट में पॉसिबल नहीं है ना एफ, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा है, तो मुझे पता चल गया जो जो सी की जो सिटी होगी ना पसंद वाली, वो होगी आपकी रायपुर, ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपकी जोधपुर, ठीक है, ये होगी जोधपुर, ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। सेम सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में भी जोधपुर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एफ ए ऑलरेडी बैठा, तो एफ नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगी मेरी रायपुर, क्या हो जाएगी, रायपुर, और सी के सामने क्या हो जाएगा, जोधपुर, ठीक है। गाइस बड़ी मेहनत की है इस मॉक को बनाने के लिए, तो कृपया जरूर सेशन को लाइक करें, शेयर कर दें। और जोधपुर का सेकंड राइट में कौन है, आपका एफ है, तो इसके देखिए सेकंड राइट में क्या हो जाएगा, एफ मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और सेकंड केस में मेरा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया हमारे यहाँ से, चलिए इसको हटा देते हैं, और ये भी हो चुकी है हमारी। चलिए अब देखिए आगे उसने क्या बोला कि डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ हु लाइक नोएडा, मतलब क्या है, नोएडा के पास में कहीं आपका कौन आएगा, डी आएगा, बट ये पॉसिबल नहीं कि वो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। चलिए आगे हम क्या कर रहे हैं, उसने बोला एच डज नॉट लाइक पाली, मतलब एच के साथ कौन सी सिटी नहीं आएगी, एच के साथ आपकी कौन सी नहीं आएगी, पाली, तो एच के साथ पाली यहाँ पे नहीं आ सकता, और सेम यहाँ पे पाली नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ से हटा दो। और जी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, के पास में क्या आना, जी नहीं आएगा, तो जी देखो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, दो जगह बची जी की, एक तो ये या तो ये, ए के पास नहीं आ सकता, तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बचाओ बस ए आ गया, बी आ गया, सी, डी, अब देखो डी मेरा क्या होगा, डेफिनेटली ई आ गया ए के पास। अब देखिए देखो गाइस, अब देखो अब इस केस में तो पूछने क्या बोला था, नोएडा और जो डी है ना वो पास पास होंगे, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना, कि यहाँ पर नागौर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया रायपुर, तो मेरा सेकंड केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या हो गया, यहाँ से सेकंड केस मेरा कैंसिल हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से,
चलिए इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको मैंने बिल्कुल कंप्लीट यहाँ से हटा दिया। गाइस बस 10 के 10 मॉक जरूर देख के जाना, पहले कह रहा हूँ, एग्जाम से पहले डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। अब देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से, अब पाली मेरा यहाँ नहीं सकता। अब देखो उसने क्या बोला, डी के पास नोएडा आ सकता हूँ। तो देखो डी की जगह या तो एक ये बची एक ये बची, तो अगर सपोज मैं डी को यहाँ लेता हूँ तो उसके पास पॉसिबल ये नोएडा, या तो इंदौर भी है और जयपुर, तो मुझे पता चल गया जी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और डी मेरे डेफिनेटली यहाँ हो जाएगा और नोएडा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी रायपुर वाला पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नोएडा। ठीक है, हाँ ये हो गया मेरा नोएडा। ठीक है, अब आगे क्या बोला, एच के साथ पाली नहीं आ सकता, तो पाली मेरे क्या होगा डेफिनेटली किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ। और बची हुई सिटी क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी सूरत। क्या किसके साथ आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी सूरत, सॉरी सूरत मेरी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी किसके साथ, वो आ जाएगी मेरी एच के साथ। एच पर्सन कौन सी सिटी पसंद करता है, वो करता है आपकी सूरत। ठीक है, ये हो गई हमारे यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है गाइस, बिल्कुल दो केस हमारे बने, इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इसलिए पीओ लेवल में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो आप एसबीआई पीओ है हमारा टारगेट, तो ऐसे ही पजल आप करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर पांच क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखिए यहाँ से हमारा हो गया, अब इसमें देखिए तीन क्वेश्चन आपके आए हैं ब्लड रिलेशन पे। इसने क्या बोला, एक ही देखो इसने क्या बोला, इन अ फैमिली फंक्शन है, कोई फैमिली फंक्शन है, कितने मेंबर है वहाँ पर, 7 पर्सन है। ठीक है, ए बी सी डी लेके जी तक। अब उसने क्या बोला, बी इज द सन ऑफ ए, तो ए का सन कौन हो गया, ए का सन हो गया आपका बी, बी के लिए प्लस लगाए थे और माइनस होता फीमेल के लिए। आगे उसने क्या बोला कि डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, मतलब ए का हस्बैंड कौन हो गया, डी हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए क्या होगी, फीमेल होगी, किसकी, डी की वाइफ होगी। आगे उसने क्या बोला कि बी हैज टू चिल्ड्रन एफ एंड जी, मतलब क्या है, बी के दो चिल्ड्रन है, एक तो एफ है और एक जी है, बट अभी यहां से मुझे पता नहीं कौन फीमेल है कौन मेल है। बट आगे देखिए जी इज द सन ऑफ ई, जी आपका सन हो गया और ई क्या हो गया, वाइफ हो जाएगी किसकी, बी। ठीक है, आगे उसने क्या बोला कि सी इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब बी की सिस्टर कौन है, सी हो जाएगी। और बोला ई हैज ओनली वन गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड ए की है, तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्लड रिलेशन कंप्लीट। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ इज द जी रिलेटेड टू डी, मतलब जी का रिलेशन बताना डी के साथ, तो जी देखो ये रहा और डी आपका ये रहा, तो ये क्या हो गया आपकी ग्रैंड सन, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए करेक्ट, और 19वें का आंसर क्या हो जाएगा। अब उसने बोला कितने फीमेल है, तो देखिए 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया बी का, 19वें क्वेश्चन का हो गया बी आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बी क्या, 20 का क्या आंसर, सिस्टर। ठीक है, उसने बोला सी का रिलेशन बताना ई के साथ, तो देखिए सी का बताना है, तो सी देखा ये रहा और ई ये हो रहा, ठीक क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, क्या हाँ सिस्टर इन लॉ होगा ये। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलिए हाँ सिस्टर इन लॉ ही तो है। ठीक है, इसका तो एरर कर लेना, ठीक है प्रॉब्लम है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 तक आपको तीन क्वेश्चन मिले इनइक्वालिटी के। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना, कहाँ जाना मुझे, खुले से बंद की तरफ, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, और प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन, और आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू में, और ग्रेटर देन में किसको दोगे आप, हमेशा ग्रेटर देन वाले को। ठीक है, ये छोटे से ट्रिक्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखा ये आपकी स्टेटमेंट दे रखा है, पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि आर से मुझे कहाँ जाना है, वाई की तरफ। तो देखिए आर से मैं वी जा सकता हूँ, तो दोनों इक्वल है, और वी से मैं बी जा सकता हूँ, और बी इक्वल टू क्या, वाई है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आर से मैं वाई की तरफ जा सकता हूँ। चलिए पहला राइट हो गया। सेकंड कहता है कि मुझे जे लेस देन होना चाहिए बी से, मतलब बी से मैं कहाँ जाना चाहिए, मुझे जे की तरफ, ये बोलता है। तो देखिए बी से मैं वी की तरफ तो यहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज हो गया, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि देखिए ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, अब इसने पहला जो कॉन्क्लूजन दे रखा है कि जेड इज आइदर लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, आई के, कि मतलब आई से मुझे कहाँ जाना है, जेड की तरफ। तो देखिए आई से मैं एक्स जा सकता हूँ, और एक्स से मैं जी जा सकता हूँ, जी से मैं पी जा सकता हूँ, और पी से मैं जेड जा सकता हूँ, बट जो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, ग्रेटर देन वाले को मिल रही है,
इन दोनों में से मैंने क्या बोलता, इसको प्रायोरिटी देंगे तो डेफिनेटली मेरा जी क्या हो जाएगा यहाँ से, कि जेड मेरा लेस देन हो जाएगा, डेफिनेटली बोला इसने ये हो जाएगा इससे, तो हमें बोला नहीं ऑप्शन कॉन्क्लूजन में, हमें बोला आइदर लेस देन में होना चाहिए और इक्वल टू बी, तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड क्या होगा सॉरी फर्स्ट मेरे क्या होगा कैंसिल। अब चलिए सेकंड पे, सेकंड क्या था, ओ से मुझे जी की तरफ जाना, तो देखिए ओ से मैं जेड जा सकता हूँ और जेड इक्वल टू क्या है पी है, बट पी से मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया क्लोज, तो सेकंड में क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो आंसर क्या होगा नाइदर वन और टू, क्या हो जाएगा नाइदर वन और टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पहला जो कॉन्क्लूजन कह रहा है कि ई इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, मतलब ई से मैं मुझे कहाँ जाना है बी की तरफ, देखिए ई से पी, पी से डी और डी से बी, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी किसको मिल रही है आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू को, बट हमें क्या चाहिए डेफिनेटली चाहिए ग्रेटर देन, ये तो होना ही चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, डाउटफुल हो गया, और सेकंड में क्या हो जाएगा डाउटफुल, और जब भी दो डाउटफुल हो और दोनों के एलिमेंट सेम हो तो हमें आंसर क्या लगाना आइदर वन और टू, ये आप ध्यान रखिएगा। मेरे सेशन जो शिखर बैच चल रहा है ना SBI PO के लिए, उसमें मैंने इंक्लूड कराया है, ठीक है, और आज से जो आपको मिलेगा उसमें मौके मिलेंगे 8 बजे से, क्योंकि हमारा जो SBI नज़दीक आ चुका है, उसलिए मैंने उस जो SBI शिखर बैच को अब IBPS PO के लिए मैंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे कोडिंग के, कोडिंग डिकोडिंग इसमें क्या होता है आपको 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, उनमें क्या होता है उनका कोड दिया जाता है, देखो देखो वर्क का कोड, जस्ट का, नॉट का, डन का, बट ये कंफर्म नहीं कि ये DA वर्क का होगा, GI आपका जस्ट का होगा, नॉट का NJ होगा, HQ आपका डन का होगा, तो इसमें जरूरी नहीं कि जैसे सीक्वेंस सेंटेंस का देर का वैसे आपका क्या होगा जो कोड उनका होगा सिंबल्स का, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इन वर्ड्स को लेते हैं, जैसे सपोज सबसे पहले क्या हम वर्ड लेते हैं वर्क, तो वर्क मेरा एक बार सेकेंड फर्स्ट में मिल रहा है और मुझे सेकेंड में मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है आपका नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क। अब देखिए वर्क का मेरा कोड क्या हो सकता है, DS नहीं मिल रहा फर्स्ट या सेकंड में, GI में हो सकता है, NJ नहीं मिल रहा, तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि GI कोड किसका होगा, वो होगा आपका वर्क का। चलिए आगे क्या करते हैं हम, अगला देखते हैं, अगला है आपका जस्ट, जस्ट आपका फर्स्ट में और आपका मिल रहा है थर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए DS हो सकता है पॉसिबल है, NJ नहीं मिल रहा, HQ नहीं मिल रहा, तो मुझे पता चल गया कि जस्ट का कोड क्या हो गया, जस्ट का कोड हो गया आपका ये हो गया DS हो गया। अब देखते हैं आगे नॉट, नॉट आपका फर्स्ट में मिल रहा है और आपका फोर्थ में मिल रहा है, तो देखिए इसका MN नहीं है, NJ हाँ, HQ नहीं मिल रहा, तो मुझे पता चल गया कि नॉट का कोड क्या हो जाएगा NJ, तो नॉट का कोड क्या हो गया आपका NJ। चलिए आगे देखिए, आगे आपका लास्ट बचा डन, तो डन का कोड क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा HQ, तो डन का कोड क्या हो गया मेरा, डन का हो गया HQ, तो पहला सेंटेंस हो गया क्रैक। यहाँ से सेकंड देखते हैं, सेकंड में देखिए ये आपका क्या है सम, सेम है ना यहाँ पे है, और सेम मेरा क्या है इसमें थर्ड में है, तो थर्ड में देखो SW हो सकता है पॉसिबल है, AS नहीं है, XZ नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा सेम कोड क्या होगा SW, तो सेम का कोड क्या हो गया मेरा SW। चलिए आगे बोला एंड, एंड आपको किस में मिल रहा है सेकंड में, और कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, बट आपका जो इक्वल है ना वो आपका सेकंड में भी है और आपका किस में फोर्थ में भी है, तो मुझे पता चल गया यहाँ से AS क्या हो जाएगा कोड किसका, वो हो जाएगा आपका इक्वल का, तो इक्वल का कोड क्या हो गया वो हो जाएगा AS, बचा हुआ कौन है आपका एंड, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा वो आपका XZ, तो एंड का कोड क्या हो गया आपका X और Z। चलिए आगे बोला अपोजिट, ऑपोजिट देखिए आपका ये रहा, ठीक है, ऑपोजिट आपका क्या है थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, ठीक है, तो ऑपोजिट कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे AP, क्या हो जाएगा AP, तो ऑपोजिट का कोड क्या हो गया मेरा, ऑपोजिट का कोड हो जाएगा मेरा AP। अब बचा हुआ क्या है आपका केस, केस इसमें, तो केस का क्या हो जाएगा KL, तो केस का क्या होगा KL, और इसमें बचा बट, तो बट का कोड हो जाएगा आपका MN, तो बट का कोड क्या हो गया मेरा MN, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सारे के सारे कोड क्या कर लिए, डिकोड कर लिए, अब मुझे पता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं डेफिनेटली कर जाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन उसने बोला कि ऑपोजिट का कोड बताओ, तो ऑपोजिट कोड क्या है मेरा, ऑपोजिट का एक AP, तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 25 सेम का कोड बताओ, तो सेम का कोड क्या है मेरा, सेम का क्या है मेरा SW,
क्या हो जाएगा मेरा एच डब्ल्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 26, 27 और 28 आप करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 से 30 आपके आगे स्लॉग्स में, तो बस इनबिलिटी और स्लॉग जरूर नहीं कि आपको हर शिफ्ट में मिले, किस शिफ्ट में आपको स्लॉग के क्वेश्चन मिलेंगे 5 के 5, किसी में मिलेंगे आपकी इनबिलिटी के 5 के 5, किसी में क्या होता है दोनों मिक्स ले दीजिए। जैसे मैंने ये आपको पेपर लिया है, दोनों में लिया है मैंने क्वेश्चन। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि इसने बोला कि ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, मतलब पूरी की पूरी ट्यूब्स क्या है आपकी किस में आ रही है, वो क्यूब्स में आ रही है। ठीक है जी। नो क्यूब इज स्काई, मतलब किसी भी क्यूब का रिलेशन किसके साथ नहीं है, आपका स्काई के साथ नहीं है। आगे बोला नो बर्ड इज स्काई, मतलब बर्ड का रिलेशन किसके साथ नहीं है, आपका स्काई के साथ नहीं है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्क्लूजन। पहला कहता है नो ट्यूब इज बर्ड, मतलब किसी भी ट्यूब का रिलेशन बर्ड के साथ नहीं, तो हमें दे नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डाउटफुल। आगे क्या बोला ऑल बर्ड बींग क्यूब्स, देखो हमें रिलेशन क्या देखा था, क्यूब का रिलेशन किसके साथ है स्काई के साथ, और बर्ड का रिलेशन किसके साथ है स्काई के साथ, हमें इसका रिलेशन थोड़ी बोला था, बोला नहीं है, नहीं बोला था ना, ये हमारा क्या हो जाएगा डाउटफुल। जब भी डाउटफुल हो और डाउटफुल के साथ क्या हो पॉसिबिलिटीज हो, तो आंसर क्या होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर सेकंड क्या हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर टेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि उसने बोला है कि नो स्टेट्स आर कैपिटल, मतलब किसी भी स्टेट का रिलेशन किसके साथ नहीं है, ये कैपिटल के साथ नहीं है। ठीक है जी, कैपिटल के साथ नहीं है। आगे बोला कि सम कैपिटल इज सिटी, मतलब कुछ कैपिटल क्या है सिटी है। ओके जी। और नो सिटी इज टाउन, तो सिटी का रिलेशन किसके साथ नहीं है, टाउन के साथ नहीं है। ठीक है जी, यहां से हो गया हमारा कॉन्क्लूजन। कहता है पहला कि सम सिटी इज नॉट स्टेट, मतलब सम सिटी इज नॉट स्टेट, मतलब इसका देखो कुछ पार्ट ये है ना, जब इसका रिलेशन किसके साथ नहीं है स्टेट के साथ, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ इसका भी किसके साथ नहीं होगा स्टेट के साथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बोला सम टाउन इज नॉट कैपिटल, देखो हमें क्या दिया था कि हमें क्या बोला नो सिटी इज टाउन, मतलब सिटी का रिलेशन किसके साथ नहीं है टाउन के साथ नहीं है, तो इसका होगा नहीं होगा हम डाउटफुल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा पहला मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट जो आपकी है ना 5 क्वेश्चन आए हैं आपकी बॉक्स बेस पजल पे। देखो गाइस मैंने हर सेशन में बोलता हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, जो मैंने हर बार बोलता हूँ कि आपको जो बॉक्स बेस पजल है ना हमेशा आपको क्या करनी है लास्ट में लेके चलनी है, तभी इसलिए मैंने इसको लास्ट में लेके चली है। ठीक है चलिए, इसने क्या बोला कि आपके पास कितने बॉक्सेस है 7 बॉक्सेस है, इनको अरेंज किया गया है एक के ऊपर एक। ठीक है जी, हमें पता नहीं है कितने, बट देखो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन क्या बोली ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस अबाउ बॉक्स डी, मतलब यहाँ से मुद्दा पता चल गया कि देखो मैं नंबर लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बॉक्सेस है ना। चलिए ये मेरे क्या हो गए यहाँ से टेबल बन गई। उसने क्या बोला, उसने बोला ओनली 2 बॉक्सेस है, मतलब डी के ये डेफिनेट कंडीशन होंगे, देखो डी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके ऊपर 1, 2 हो गए बॉक्सेस। चलिए आगे उसने क्या बोला कि ओनली 1 बॉक्सेस आज प्लेस बिटवीन जी एंड डी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2 केस बनेंगे कि डी मेरा देखो डी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस है 2, बट ये कन्फर्म नहीं है कि मेरा ऊपर आएगा जी या मेरा नीचे आए। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा सेकेंड केस हो गया। तो फर्स्ट केस में जी मेरा ऊपर आ जाएगा एक बार, और सेकेंड केस में मेरा डी के नीचे आ जाएगा जी। तो ये हो गई यहाँ से इन्फॉर्मेशन। आगे उसने क्या बोला कि एज मैनी एज बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ई, मतलब क्या है जितने बॉक्स जी एंड ई के बीच में होंगे उतने क्या होंगे आपके ई एंड ए के बीच में होंगे। चलिए जी ई एंड ए के बीच में होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें अभी पता नहीं, इसको लिख लेते। आगे बोला कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड सी एंड बी इज प्लेस्ड अबाउ सी, मतलब क्या है कि बी और सी के बीच में कितने बॉक्सेज है आपके 3 बॉक्सेज है, और जो आपका बी है ना वो किसके ऊपर है सी के ऊपर है। ठीक है जी, यहाँ से हम चेक करते हैं। सपोज मैं यहाँ लेता हूँ तो 1, 2, 3 सी पॉसिबल है, और कहीं लेता हूँ बी को यहाँ तो 1, 2, 3 बॉक्स आ जाएंगे, वो सी तो आएगा नहीं, तो मुझे पता चल गया कि बी मेरा कन्फर्म यहाँ पे होगा, 1, 2, 3 सी मेरा यहाँ पे आया। सेकंड केस देखिए, बी को यहाँ लेता हूँ तो 1, 2, 3 बॉक्स आ जाएंगे, बट यहाँ पर तो जी ऑलरेडी बैठा है तो सी की जगह पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया सेकंड केस में डी यहाँ बी यहाँ पे आएगा और 3 बॉक्सेज है, 1, 2, 3 सी मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए अब उसने क्या बोला कि जी और ई के जितने बॉक्स है ना
बीच में, उतने ई और ए के बीच में, सपोज जी आपका ये रहा, तो एक दो तीन बॉक्सेस लेता हूँ मैं, दो बॉक्स लेता हूँ ई और ए के बीच में, जी और ई के बीच में, तो पॉसिबल है कि ई और ए के बीच में भी, तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ कौन है आपका पर्सन, वो हो जाएगा आपका एफ, पहले से कन्फर्म हो गया मेरा, बट मैं सेकंड से आंसर चेक करता हूँ, जी को यहाँ लिया, तो अब देखियो अगर मैं ई को यहाँ लेता हूँ तो पॉसिबली ई को यहाँ लूँ तो पॉसिबली दोनों का सेम होना चाहिए, जीते जी और ए के बीच में उतने ही आपके ई और ए के बनते, तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरे सेकंड केस क्या हो जाएगा आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा फर्स्ट केस से मेरा कम्प्लीटली आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था आपको जो बॉक्स बेस पजल होती है, देखो गाइस ये मैंने क्लर्क लेवल की पजल ली है बॉक्स की, तो आप जो नेक्स्ट सेशन देखोगे ना उसमें आपको दो से तीन वेरिएबल देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट में अटैम्प्ट करिए, ठीक है, इसमें पाँच क्वेश्चन होंगे आपको पीडीएफ में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, चलो मिलते हैं सेकंड मॉक में, थैंक यू गाइस।